अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है मेमोरी गेम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। यहाँ पर हमारे पास अडिनो का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है, इसके बाद प्रोटियस सिमुलेशन है। तो इसको आपने प्रोटियस 8.12 ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अडिनो योनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है I2C मॉड्यूल के साथ। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 LEDs यूज़ की हुई हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, और LEDs की पॉजिटिव हमने अडिनो की पिन के साथ अटैच की हुई है, और LEDs की नेगेटिव पे हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में यूज़ करके ग्राउंड के साथ अटैच की हुई है। इसी तरह हमने 4 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं। तो पुश बटन की भी एक साइड हमने ग्राउंड के साथ अटैच की हुई है और दूसरी साइड हमने अडिनो की पिन पर दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक बज़र यूज़ की हुई है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए अडिनो का कोड ओपन करके एक्सवेल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अडिनो के कोड का फोल्डर है, तो इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें भी हैं और साथ में कोड है। कोड को अपने अडिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अडिनो योनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सवेल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर आपको ये एड्रेस यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपने अडिनो की फाइल्स में जाना है और वहाँ से अपने प्रेफरेंसेस में जाना है, वहाँ से अपने कंपाइलेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से अपने कोड को कंपाइल करना है और कंपाइल करने के बाद आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने इसको कॉपी करके प्रोटियस की फाइल में इंक्लूड कर लेना है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिली सेकेंड डिले के लिए। इसके बाद गेम को स्टार्ट करने के लिए हमें रेड बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम रेड बटन प्रेस करते हैं तो गेम हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे LCD पे फर्स्ट लाइन पे हमें लेवल डिस्प्ले हो जाता है और सेकंड लाइन पे स्टेटस डिस्प्ले हो जाता है। जैसे कि पहले हमें स्टेटस मेमोराइज डिस्प्ले हो रहा था तो उस टाइम इसने एक LED ब्लिंक की थी। अब उस LED के मुताबिक अगर हमने एग्जैक्ट बटन प्रेस कर दिया तो उस कंडीशन के ऊपर हम ये लेवल को विन कर जाएंगे। इसी तरह ही जैसे ही अब ये नेक्स्ट इसने दूसरे लेवल पर जाके हमें 2 LEDs का स्टेटस डिस्प्ले कर दिया हुआ है। अब हमने उस LEDs के स्टेटस के मुताबिक बटन प्रेस करने हैं। अगर हमने ऑल कीज़ एग्जैक्ट प्रेस की होंगी तो उस कंडीशन के ऊपर हम इस लेवल को विन कर जाएंगे और साथ ही नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे और नेक्स्ट लेवल में रैंडमली एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी। तो कोड में हमने 2 अरे जनरेट की हुई है, एक LEDs की अरे है और एक बटन्स की अरे है। अब LEDs की अरे रैंडमली जनरेट हो रही है जिसके मुताबिक LEDs पहले ब्लिंक होती हैं और इसके बाद जब हम प्ले मोड में होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर उन LEDs के मुताबिक हमने बटन वाली अरे के अंदर डाटा स्टोर करना होता है। इसके बाद जब हम वेरीफाई में जाते हैं तो डाटा मैच हो जाता है। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने नेक्स्ट लेवल में जाना है। अगर डाटा मैच नहीं होगा तो इसने LCD पे यू लॉस प्रिंट कर देना है और साथ ही गेम ओवर करनी है। तो इसने फर्स्ट स्टेज पे चले जाना है जहाँ पर हम गेम को स्टार्ट करने के लिए रेड बटन प्रेस कर रहे होते हैं। तो इस गेम को आप विदाउट LCD के भी रन कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें LCD यूज़ की हुई है। अगर आप इस गेम को LCD के बगैर चलाना चाहते हैं तो आप LCD के बगैर भी सेम कोड को रन कर सकते हैं। तो इस लेवल पे हमने रॉन्ग कीज़ प्रेस कर दी हुई हैं तो उस कंडीशन के ऊपर जब ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने में ये मैच नहीं होंगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने पहले यू लॉस प्रिंट करना है और इसके बाद गेम ओवर कर देनी है। इसके बाद जब भी हमने गेम नए सिरे से स्टार्ट करनी होगी तो हम रेड बटन को प्रेस करेंगे और 1 लेवल से गेम हमारी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद अडिनो योनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है I2C मॉड्यूल के साथ। इसके बाद 4 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद 4 LEDs यूज़ की हुई हैं। LEDs की पॉजिटिव हमने अडिनो की पिन के साथ अटैच की हुई है और नेगेटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड से सीरीज़ में यूज़ की हुई है। इसके बाद एक बज़र यूज़ की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, तो कोड के साथ यहाँ पे I2C लिक्विड क्रिस्टल की एड्रेस फाइलें भी ओपन हुई हुई हैं, और यहाँ पर हमने ये I2C लिक्विड क्रिस्टल की एड्रेस फाइलें कॉल कराई हुई हैं। इसके बाद LCD का एड्रेस और LCD इनिशियलाइज़ की हुई है 16x2 की। I2C मॉड्यूल पे पहले से हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हुए हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने बटन्स के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 2 से लेकर 5 तक। इसके बाद LEDs के लिए पिन इनिशियलाइज़ की हुई है 8 से लेकर 11 तक। इसके बाद यहाँ पर हमने बटन्स का स्टेटस रीड करने के लिए एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई। इसके बाद बजर की पिन इनिशियलाइज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने गेम के मैक्सिमम लेवल सेट किए हुए हैं कि आपने कितने लेवल तक गेम चलानी है, तो यहाँ पर हमने 50 रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने अरे जनरेट की हुई है बटन्स की और LEDs की। इसके बाद ये वेरिएबल इनिशियलाइज़ की हुई है जो नीचे यूज़ हो रही है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है, अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज़ किया हुआ 9600। इसके बाद यहाँ पर हमने एक फॉर लूप रन किया हुआ है। इस फॉर लूप के अंदर हमने बटन की पिन इनपुट मोड में चलाइज की हुई है, LEDs की पिन आउटपुट मोड में चलाइज की हुई है, बजर की पिन भी आउटपुट मोड में चलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की LCD इनिशियलाइज़ की हुई है। LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। इसके बाद रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमने एनालॉग की 0 पिन कॉल कराई हुई है। इसके बाद अवॉइड लूप है, अवॉइड लूप में यहाँ पर हमने स्विच के फंक्शन के अंदर हमने स्टेज की वेरिएबल कॉल कराई हुई है। अगर स्टेज की वेरिएबल 0 की कॉल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने स्टार्ट मोड में रहना है। तो जैसे ही हम 0 वाले बटन को प्रेस कर देते हैं, जो कि रेड बटन होगा, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो गेम हमारी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्टेज की वेरिएबल 1 की कॉल हो जाएगी। और जैसे ही 1 की कॉल होगी तो यहाँ पर हम LCD पे लेवल और साथ में सेकंड लाइन पे मेमोराइज प्रिंट कर देते हैं, और साथ ही हम 8 से लेकर 11 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उस नंबर को लेवल के मुताबिक LEDs के रे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद फॉर लूप रन करते हैं जिस लेवल पे हम होते हैं उस लेवल तक, और उन लेवल्स के मुताबिक LEDs की पिन के ऊपर राइड करते जा रहे होते हैं, और साथ ही प्ले बजर के फंक्शन के अंदर वेरिएबल कॉल हो रही होती है। हर LED की बीप की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। इसी तरह ही जब हम बटन प्रेस करते हैं तो उनकी भी LEDs के मुताबिक ही फ्रिक्वेंसी रन हो रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर हम स्टेज की वेरिएबल को 2 के इक्वल कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 वाले फंक्शन में हम स्टेज की वेरिएबल को 3 के इक्वल कर देते हैं, और साथ ही सेकेंड लाइन पर हम प्ले प्रिंट कर देते हैं। अब हम जैसे ही 3 वाले फंक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हम बटन का स्टेटस रीड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने 4 बटन यूज़ किए हुए हैं तो ये फॉर लूप 4 टाइम रन होता है, और जैसे ही कोई भी बटन हम प्रेस करते हैं तो उस बटन को बटन वाली एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और साथ ही उस बटन के मुताबिक हम LED और BP रन कर देते हैं, और साथ ही गेम प्ले की वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं। और जिस लेवल पर हम होते हैं, जैसे ही गेम प्ले की वेरिएबल उस लेवल के इक्वल जाती है, तो उस कंडीशन के ऊपर हम स्टेज की वेरिएबल को 4 के इक्वल कर देते हैं। इसके बाद स्टेज 4 में हम वेरीफाई कर रहे होते हैं LEDs और बटन्स की अरेज को। जिस भी लेवल पे LED और बटन की अरे मैच नहीं होगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने लॉस्ट की वेरिएबल को 1 के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने लॉस्ट की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है। अगर लॉस्ट की वेरिएबल 1 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने स्टेज की वेरिएबल को 5 के इक्वल किया हुआ है, और अगर लॉस्ट की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर स्टेज की वेरिएबल को 6 के इक्वल किया हुआ है। अगर हमने तमाम की एग्जैक्ट प्रेस की है तो उस कंडीशन के ऊपर स्टेज की वेरिएबल 6 इक्वल होगी, तो 6 वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर हमने कोई भी की रॉन्ग प्रेस की है तो उस कंडीशन के ऊपर 5 वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 वाले फंक्शन के अंदर हम LCD की सेकंड लाइन पर प्रिंट कर रहे होते हैं यू लॉस, और साथ ही तमाम LEDs ऑन कर रहे होते हैं। और इसके बाद 1000 मिलीसेकंड रिले के बाद गेम ओवर प्रिंट करते हैं, और साथ ही हम लेवल की वेरिएबल को 1 कर देते हैं और स्टेज की वेरिएबल को 0 कर देते हैं, तो 0 पे स्टार्ट पोजीशन पे चली जाती है, और साथ ही लॉस्ट की वेरिएबल को भी 0 कर देते हैं। इसी तरह ही अगर स्टेज की वेरिएबल 6 के इक्वल होती तो उस कंडीशन को पर इसने 6 वाले फंक्शन में जाना था, और वहाँ पर हमने LCD की सेकेंड लाइन पर यू विन प्रिंट किया हुआ है। और इसके बाद 1000 मिलीसेकंड रिले के बाद लेवल की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। जैसे ही मैक्सिमम लेवल की इक्वल जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने LCD पे प्रिंट किया हुआ है कंग्रेचुलेशन लेवल कंप्लीट। और अगर लेवल की वेरिएबल मैक्सिमम लेवल से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लेवल की वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्लूड कर देनी है, और साथ ही स्टेज की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है, और 1 पे मेमोराइज कंडीशन में कॉल हो जाती है। इसके बाद प्ले बजर का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम बजर की पिन पे फ्रीक्वेंसी राइट कर रहे होते हैं। रेड LED और रेड बटन पे 650 फ्रीक्वेंसी कॉल हो रही है, येलो LED और येलो बटन पे 750 फ्रीक्वेंसी कॉल हो रही होगी, इसी तरह ही ग्रीन बटन पे और ग्रीन LED पे 850 कॉल हो रही होगी, इसी तरह ही ब्लू बटन और ब्लू LED पे 950 फ्रीक्वेंसी कॉल हो रही होगी। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म कर लेना है डिनो यूनो। इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है, पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है।
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगा करें। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको हार्डवेयर का और भी दे देता हूँ।